हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ऑब्जेक्ट लेकर आया हूं, जिससे कि पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट बता दिया था और व्यू नहीं बता पाया था, तो बहुत सारे बच्चे का कॉमेंट आ रहा था कि सर इसका व्यू भी बता दिया जाए, तो उस व्यू को मैं आज लेकर आया हूँ। आप बढ़िया तरीके से इसको व्यू को समझिएगा, ऑब्जेक्ट को समझिएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से व्यू बनाना सीख जाएं। ये हमारी तरफ से गारंटी। आप बढ़िया तरफ से वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए और बढ़िया तरीके से व्यू बनाने के लिए सीखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर फेसबुक जितना ज्यादा शेयर करें, और जिससे कि अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके। ये जो हमारा आज का जो ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हर ट्रेड के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मैं अपने हाथों से मैं बनाया हूं, इसमें कहीं सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया हुआ, इसलिए कि बोर्ड पे सेट स्क्वायर प्रयोग करने में नहीं बनता है, तो कहीं अगर त्रुटि होगा तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। और त्रुटि की बात यह है कि आप जब भी बनाइएगा अपने ड्राइंग शीट पे, तो आप हमेशा सेट स्क्वायर के माध्यम से ही बनाइएगा, फ्री हैंड स्केच आप नहीं बनाइएगा। जब भी बनाइएगा सेट स्क्वायर की सहायता से बनाइएगा। टोटल हमारा 30 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा बना हुआ है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में बनाने के लिए हमारा दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, और इसी का व्यू ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में हमारा व्यू निकालना है, जिसका फ्रंट का, साइड का और टॉप का। ये आपको पहले भी क्लास में मैं ले चुका हूं, बता चुका हूं कि व्यू हमारा तीन प्रकार का होता है, फ्रंट होता है, साइड होता है और टॉप होता है। कितने होते हैं? फ्रंट, साइड, टॉप। और कैसे फ्रंट, साइड, टॉप हम लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैं वीडियो को बना दिया हूं और बता दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसका जो प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूं ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो इसका लिंक प्ले स्टोर का, मैं प्लेलिस्ट का मैं जो बनाया हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में है, जिसका व्यू हमको निकालना है। ये ऑब्जेक्ट पहले भी मैंने बता दिया हूं, आप जब भी बनाइएगा तो सेट स्क्वायर की सहायता से इसको बनाइएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसको हमको चूज करना है इसमें कि कौन मेरा फ्रंट है, कौन मेरा साइड है और कौन टॉप है। तीन चीज सबसे पहले हमको चूज करना है कि सब कौन मेरा किधर से फ्रंट होगा, किधर से साइड होगा और किधर से टॉप होगा। फ्रंट कैसा होता है, टॉप कैसा होता है, साइड कैसा होता है, ये सारी मैं वीडियो बना दिया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं आराम से, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। आप ऑब्जेक्ट को व्यू निकालने के लिए फ्रंट, साइड, टॉप तीनों हम लोग चूज करते हैं। अब किधर फ्रंट होगा, किधर साइड होगा, किधर टॉप होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि अगर इस फिगर को ऑर्थोग्राफिक में, ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को मैं अगर इधर से देखता हूं, जिधर मैं खड़ा हूं स्टेट में, तो इधर से अगर देखता हूं तो मेरा फ्रंट ये भाग हो जाएगा इधर का। अगर कोई बच्चा अगर इधर से देखता है तो फ्रंट उसका ये हो जाएगा। ये आप आपके ऊपर निर्भर कर सकता है, कर सकते हैं कि आप किधर से इसको बनाते हैं। लेकिन आपको बनाने में आसान तरीके होगा कि आप इधर से, जिधर से मैं ले रहा हूं उधर से आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं इधर से, इधर से अगर हम देखते हैं तो ये भाग हमारा क्या होगा, फ्रंट होगा। और हमेशा बता हूं कि फ्रंट का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, साइड होता है। यानी ये भाग हमारा साइड हो जाएगा और ऊपर वाला भाग हमेशा क्या होता है, टॉप होता है। ये भाग हमारा टॉप होगा। सभी भाग में मेजरमेंट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट टोटल किया हुआ है दोनों लाइन। इसमें जो होता है हमारा ओरिएंटल और वर्टिकल जो लाइन होता है वो हमारा टोटल मेजरमेंट किया हुआ है। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो ये भाग हमारा फ्रंट होगा। तो सिर्फ इधर से अगर हम देखेंगे तो फ्रंट कौन कौन होगा,
एक ये होगा फ्रंट हमारा, एक ये होगा और एक ये होगा फ्रंट हमारा, यानी तीन भाग हमारा जो होगा फ्रंट होगा, ये भाग और ये भाग और ये भाग। अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर से हमने जब देखा तो हमारा ये भाग फ्रंट आया, यानी फ्रंट करने का मतलब कि सामने का भाग, सामने का भाग जो हमारा होता है फ्रंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बारीकी तरह से ध्यान दीजिएगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझिएगा कि इधर से जब हम देखेंगे तो जो भाग मेरा सामने नजर आ रहा है इस तरह का, फ्रंट कैसा होता है यानी सामने वाला भाग, अगर इस तरह का भाग जो मेरा नजर आ रहा वो हमारा फ्रंट होगा, बाकी भाग को छोड़ देंगे, फ्रंट की बात हो रहा। तो इधर से देखेंगे तो सबसे पहले भाग तो ये नजर आएगा पहला, दूसरा ये मेरा भाग आ रहा नजर आ रहा है, और तीसरा ये भाग नजर आ रहा है, यानी तीनों हमारा ये फ्रंट है। अब आइए हमारा साइड में, जब फ्रंट इधर है तो अपोजिट साइड हम तुरंत इधर क्या होता है साइड होता है, ये हमारा भाग क्या है एक ये भाग हमारा साइड हुआ, और जब इधर से देखते हैं तो भाग ये भी भाग हमारा क्या है कि साइड है। तो साइड हमें दो भाग नजर आ रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये। अब आइए टॉप में, सबसे पहला भाग टॉप कैसा होता है, इस तरह लेवल का जो भाग हमारा है वो टॉप होता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा टॉप होगा, ये भाग टॉप होगा, ये भाग टॉप होगा, और ये जो भाग हमारा टॉप और फ्रंट दोनों में आता है, जो ये पूरा पैरेलल जो दिया हुआ हमारा, ये हमारा दोनों भाग टॉप में आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए व्यू निकालेंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। टोटल का मेजरमेंट किया हुआ हमारा, और एक चीज याद रखिएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि फ्रंट जो हमारा होता है उसका दूसरा नाम होता है इलिवेशन, और साइड का साइडिंग होता है, टॉप का दूसरा नाम होता है प्लान, याद रखिएगा इस चीज को, कहीं आपको इलिवेशन भी लिखा हुआ रहेगा, प्लान भी लिखा हुआ रहेगा, टॉप भी लिखा हुआ रहेगा, फ्रंट भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन साइड का साइड ही लिखा हुआ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा आपको। अब हमको किसमें थर्ड एंगल में व्यू हमारा निकालना है, और ये चीज आप पहले भी बता चुका हूं कि आप इसको समझने के लिए दर्शा भी सकते हैं, फ्रंट को अलग भाग से दर्शा सकते हैं, साइड को अलग भाग से दर्शा सकते हैं, और टॉप को अलग भाग से दर्शा सकते हैं। जो विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो रहा है, तो आप तीनों भाग को अलग अलग अपने तरह डिजाइन में, आप फ्रंट को जो जो फ्रंट आया जैसे ये फ्रंट ये फ्रंट ये फ्रंट, तीनों को आप अपने तरीके से इसको एक ही कलर में एक ही डिजाइन में आप कर सकते हैं। साइड को जैसे मान लीजिए, एक मैं बता दे रहा हूं आपको, मान लीजिए फ्रंट को आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्रंट कौन है साइड कौन है, कौन हम चूज किए हैं, तो उस स्थिति में आप इसको सिंबल दे दिए इस तरह के, इस तरह करके, ये हमारा क्या हो गया फ्रंट, ये भी कर दीजिए उसी तरह, जिससे कि हमको पूरा क्लियर नजर आए कि कौन कौन हम फ्रंट माने थे, कौन कौन हम चूज किए थे फ्रंट को। ये भाग हो गया फ्रंट मेरा, अब ये भाग को कर देंगे, एक ही तरह से करना है तीनों को, जब फ्रंट है तीनों तो तीनों को एक ही तरीके से करना है। अब हमारा टॉप है तो टॉप को भी आप अलग तरीके से कर दें, एक ही तरह, यानी ये हमारा हो गया टॉप, और कौन टॉप है ये है, तो आप इसको भी कर दीजिए, जिससे कि क्लियर पता लगे हमारा कि कौन टॉप था, कौन साइड था, कौन फ्रंट था, ये सिर्फ पता लगने के लिए। ये हो गया, अब हम साइड को भी वही प्रक्रिया करेंगे, साइड को कर देते हैं, इस तरीके से ये हमारा साइड हो गया, ये भाग भी हमारा साइड है, साइड को एक ही तरह से करना है, टॉप को एक ही तरह से करना है, फ्रंट को एक ही तरह से करना है, यानी जिस तरह को एक तरह से किए हैं उसको उसी तरह से
करके हमको दिखाना है, इस भाग को रहने देना है, इसलिए कि टॉप और फ्रंट दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको आप छोड़ दिए। इससे आप क्लियर पता लगे कौन मेरा फ्रंट है, कौन मेरा साइड है, कौन टॉप है, तीनों हमारा क्लियर हो गया। आप कहीं गड़बड़ाइएगा का चांस नहीं है गड़बड़ाने का। अब ये देखिए कि व्यू बनाने से पहले ये आप लाइन सबसे पहले बना के रखिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं पहले क्लास में। सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है कि पहला लाइन ओरिएंटल और वर्टिकल दो लाइन इसमें बनता है, कौन ओरिएंटल है कौन वर्टिकल है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कौन वर्टिकल लाइन है कौन ओरिएंटल लाइन है, जो कि आप ध्यान दीजिए उसको समझिएगा बढ़िया तरीके से। तो ये दो लाइन जो हमारा बनेगा, जो ओरिएंटल और वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा ओरिएंटल है, तो ये जो हमारा लाइन है, ये जो बीच का गैप कम से कम आप 5 mm से ऊपर रख सकते हैं, आप अपने आसानी तरीका से बनाने के लिए आप जितना रख सकते हैं 5 से ऊपर 5, 7, 10, 15, 25, लेकिन क्या होगा कि ये जो बॉक्स हमारा बीच का बनेगा, ये जो बॉक्स हमारा है स्क्वायर में बनेगा, चारों बॉक्स जो हमारा है स्क्वायर में बनेगा, यानी जितना भी मेजरमेंट लेना है सबका माप एक ही लेना है, अगर एक 10 लिए तो टोटल हमें 10 ही लेना होगा, बस इस तरह ओरिएंटल और वर्टिकल लाइन हमको बना देना है। अब क्या है कि अब यही ऑब्जेक्ट में, अब जिधर हमको फ्रंट है उधर फ्रंट बनाएंगे, जिधर साइड है उधर साइड बनाएंगे, और जिसके ऊपर टॉप जा रहा है उधर टॉप बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट देखिए, ये भाग तरफ है हमारा किधर है बायां साइड में, तो बायां साइड में हम क्या करेंगे फ्रंट बनाएंगे। इसके पहले बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगा, जो कि पेंसिल कटर रबड़ और छीलने वाला पेंसिल रेजर शॉर्पनर और सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ता है, आपको सामग्री सब व्यवस्था रखना है आपको बनाने के लिए। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं, जब भी क्लास करते हैं ड्राइंग का, तो सेट स्क्वायर की आवश्यकता जरूर रखें, आवश्यकता पड़ती है, पेंसिल रेजर शॉर्पनर हमेशा रखें, स्टील रूल रखें या फिर स्केल रखें, उसको आपको प्रयोग में आ सकता है, ये चीज सामग्री आपको रखना बहुत जरूरी है सेट स्क्वायर ड्राइंग के लिए। अब ये हम क्या करेंगे, फ्रंट हमारा क्या होगा इधर बनेगा, इसलिए कि फ्रंट हम इधर माने हैं तो फ्रंट हमारा इधर होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो फ्रंट को जो हमारा लाइन है ये हमारा यहां से यहां तक कितना है 60 है 60, तो इस भाग को जब भी हम लेंगे फ्रंट में तो अपना ही मकान में लेंगे, दूसरा मकान में नहीं जाना है, इधर बीच बीच में नहीं घुसना है, कहां है इसी भाग में, यहां पे से हम लोग इधर और इधर इसका पूरा फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट बनाएंगे जब, तो यहां से यहां तक मेरा कितना है 60 है, यानी यहां से लेकर के यहां तक अगर हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट आप खुद कीजिएगा जब बनाइएगा सेट स्क्वायर से ड्राइंग शीट पे, तो बात कीजिएगा, तो यहां से यहां हम कितना लिए 60, ये जो हमारा ओरिएंटल था कितना हमारा है 60 है, अब वर्टिकल में हमारा कितना है ये भी 60 दिया हुआ है, तो वर्टिकल में यहां से यहां तक कितना लेंगे ये भी 60 लेंगे, यानी दोनों तरफ 60-60 हमारा है। अब इसको क्या करेंगे कि मेजरमेंट करने के बाद 60 mm मेजरमेंट करने के बाद दोनों को 90° एंगल से मिला देंगे, ये बाकी जो भाग बचता है वो हटा देंगे, इधर भी 60 में रहा है इधर भी 60 है, ओरिएंटल भी 60 है और वर्टिकल भी 60 है, दोनों हमारा 60-60 हो गया। अब क्या है कि इस वाला पॉइंट से ऊपर कितना गया है 20 गया है, तो क्या करेंगे कि इस वाला भाग से हम भी क्या करेंगे 20 माप लेंगे, इधर भी 20 है और इधर भी 20 है, यानी दोनों तरफ हम 20-20 मेजरमेंट कर लिए और मिला देंगे इसको। इस तरह हमने 20-20 कर करके मिला दिया। अब क्या है कि ये भाग पूरा कितना था 60, तो डिवाइड करने के बाद हमारा 20-20 करके आया, 20 ए भी है 20 ए भी है 20 ए भी है, यानी 20-20 करके भाग हमारा 3 डिवाइड किया हुआ है, 20-20-20 20-20-20 तीन भाग में हमारा डिवाइड किया हुआ है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, जब 60 मेजरमेंट कर लिए 60 कर लिए, तो या तो यहां से आप कहीं से भी 20-20 करके डिवाइड आप कर दे सकते हैं, तो जैसे हम यहां पे कर दे रहे हैं इसे यहां पे, और इस तरह आप जब भी कीजिएगा तो मेजरमेंट करके कीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ये 20
20, 20, 20, 20 भाग हमारा हो गया। ये भाग हमारा फ्रंट बन करके क्लियर हो गया। तीन भाग था, एक दो तीन, एक ये हमारा इसमें फ्रंट में कितने भाग था, तीन भाग था, तो हमारा एक दो तीन, बाकी बीच वाला जो भाग है वो बीच वाला भाग ऑटोमेटिक हमारा निकल गया। और ये हमारा जो है फ्रंट बन के क्लियर जब हो जाता है तो इसको जितना जितना हमारा मेजरमेंट है वो मेजरमेंट हम क्या करेंगे, दे देंगे, जिससे कि बाद में हमको समझने में कोई त्रुटि दिक्कत नहीं आए। इस तरह से कितना कितना है, 20, 20, 20, ये कितना है 20, ये कितना बचा 40, यानी 60 का ए बी और 60 का ए बी बन के हमारा तैयार हो गया। अब अगर फ्रंट इस तरह आप दर्शाए हैं तो आप इसमें भी दर्शा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह आप दर्शा सकते हैं इसको, जिससे कि आपको क्लियर भाग नजर आ सकेगा कि कौन मेरा फ्रंट है। इससे आपको पता लगा कि मेरा फ्रंट ये भाग बन गया, और यहां पे आप लिख दीजिए फ्रंट। फ्रंट इल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट बनके तैयार होगा, एक दो तीन भाग, एक दो तीन भाग, बाकी बीच वाला भाग ये है, ये बीच वाला भाग जा रहा, देखिए ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। अब आइए साइड में, साइड में भी हमारा कितना है 60 है और 60 है, तो वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे, यहां से ले लेंगे इधर 60। और एक चीज याद रखिएगा, ये भाग ओरिएंटल है मेरा, बदल सकता है, लेकिन वर्टिकल लाइन वही रहेगा, इसलिए कि जब भी व्यू बनता है तो जब फ्रंट का जो लाइन नीचे वाला होता है उसका ना तो ऊपर होता है ना नीचे होता है, जब भी होता है हमारा जब भी सामने सामने होता है। तो अब यहां का करेंगे उसी प्रक्रिया को दोहरा करके, यहां से 60 तो मेजरमेंट किया हुआ, इसको मेजरमेंट करने का जरूरी नहीं है, इसको ले आएंगे यहां और इस भाग को भी उसी तरह कर देंगे, बाकी भाग इस भाग को मिटा देंगे। अब आइए साइड में, तो साइड में हमारा कौन कौन है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, दो भाग साइड में, यहां से हमारा ये क्लियर आया है और साइड में ये भाग ये क्लियर हमारा आया है। तो साइड में देखिए कि यहां से ऊपर कितना है 20 है, तो क्या करेंगे यहां से हम लोग यहां 20 ले लेंगे, जो कि इस भाग में भी नापा हुआ था, फ्रंट में भी नाप करके मेजरमेंट किया हुआ था, साइड में भी वही आगा, जब इधर साइड 20 इधर भी है और 20 इधर भी है, तो दोनों हमेशा सामने लाइन होगा, तो यहां से यहां हम लोग 20 ले लिए। अब क्या है कि इधर से इधर जाएगा मेरा लाइन, तो इधर से इधर जब गया है तो यहां से यहां 20, आपका ये भी भाग कितना है 20, जब ये भी 20 है तो ये भी 20 पूरा आया है, तो ये भाग यहां जाने से पहले 20 इधर ही बच जाएगा, यानी यहां से यहां हम 20 मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए कैसे बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये भाग को भी हम इस तरह मेजरमेंट कर लिए। अब ये भाग हमारा क्लियर हो गया, देखिए ये भाग क्लियर हो गया, ये भाग हमारा फ्रंट एक भाग बन गया, बाकी दूसरा भाग बचा जो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया है, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाएगा, तो यहां ये बन के हमारा क्लियर तैयार हो गया। अब क्या है साइड में हम लोग किस तरह दिए हैं, इस तरह तरीके से दिए हैं, तो इस तरीके से दे देंगे, जिससे कि हमारा क्लियर पता लगे। ये भाग और इसी तरीके से यहां में भी कर देंगे, और ये भाग बनेगा तो बनाने के बाद एक भाग जो हमारा जो मेन लाइन है यहां पे, ये लाइन जो मेरा है इसको डार्क कर देंगे, जिससे कि हमें पूरा क्लियर पता लगे
कि ये भाग मेरा लाइन है, कौन है, साइड का, जिससे कि आपको ये दोनों ब्लैक हो गया, जिसके वजह से आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इसको आप जब डार्क कर दीजिएगा तो आपको क्लियर पता लगेगा कि ये लाइन मेरा यहां से दो भाग बना हुआ है। डार्क करने के बाद आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये भाग अलग है और ये भाग अलग है। साइड में कितना था, दो, एक ये और एक ये, तो साइड में एक ये और एक ये, दोनों हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको भी मेजरमेंट कर दीजिए, ये भी हमारा 60 है और ये भी हमारा 60 है, दोनों 60-60 mm का हमारा रेडी हो गया। और ये जो 20 माप लिए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ 20 दिया हुआ है, जिससे भी आपको पता लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए टॉप में हमारा, ये जो भाग टॉप है किसके ऊपर है, फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप है, तो फ्रंट के ऊपर हमेशा हमारा टॉप बनेगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट से व्यू बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जिधर हमारा टॉप जा रहा, फ्रंट के ऊपर तो फ्रंट के ऊपर, साइड के ऊपर तो साइड के ऊपर, इसमें हमारा जा रहा फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट के ऊपर जब टॉप जा रहा है तो फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप बन जाएगा। अब टॉप के लिए देखिए, इसमें भी मेजरमेंट कितना है, 60-60 ही है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, 60 है। तो जब बताएं आपको कि लास्ट वाला भाग जितना भी रहेगा, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, उतना ही हमारा होगा, इसलिए कि जब लाइन ये है तो इस लाइन से ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, सेम लाइन पे ही होगा, तो यहाँ पे 60 हम मेजरमेंट कर लिए। अब बचा वर्टिकल लाइन में, तो वर्टिकल लाइन भी हमारा 60 दिया हुआ है, तो इधर से भी क्या करेंगे, 60 ले लेंगे और मेजरमेंट कर देंगे, जिस तरह हमेशा सबको मापते आए हैं, आप हमेशा जब भी कीजिएगा तो माप करके कीजिएगा, इसमें मापने में नहीं बनेगा दिक्कत होगा, इसके वजह से मैं मेजरिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट खींच रहा हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं खींचेगा, गलत हो जाएगा, आप लोग जब भी कीजिएगा तो मेजरमेंट करके ही खींचिएगा, सिर्फ आप लोग यहाँ पे समझिए। ये टॉप का बॉक्स बन गया हमारा, अब इसी बॉक्स के अंदर हमको व्यू बनाना है। अब टॉप कितना है हमारा, 1, 2, 3, टॉप 3 भी हमारा है, टॉप भी है। अब देखिए कि टॉप में ऊपर से जो हमारा है, यहां से यहां तक कितना है, 20 है, यानी यहां से यहां हमारा 20 है, इधर भी यहां से यहां हमारा 20 है, इसको क्या करेंगे, इस तरह मिला दिए। मिलाने के बाद 20 भाग 20 भाग 20 भाग, ये भी 3 भाग में हमारा डिवाइड हुआ है, तो टॉप में ये भी आया है और ये भी आया है, तो 20 20 हमको इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 हमारा हो जाएगा। और जब 20 20 डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पे भी 20 20 डिवाइड किया हुआ है तो तीनों का हमारा सेम होगा, इसलिए सामने सामने इसको हम लोगों मिला देंगे। अब देखिए बीच वाला भाग ऑटोमेटिक हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया, ये बीच वाला भाग फ्रंट में भी आ रहा है, टॉप में भी आ रहा है, फ्रंट में भी आ रहा है, टॉप में भी आ रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक आपका तीनों में, दोनों में चला गया। अब इसको भी क्या करेंगे, टॉप को जिस तरह हम दर्शाए उस तरह दर्शा देंगे, जिससे कि देखने में हमको आसानी रहे कि कौन कौन मेरा टॉप है। उसके बाद इसको भी दर्शा देंगे, जितना जितना मेजरमेंट किया हुआ है, लिया हुआ है, इसका भी मेजरमेंट दे देंगे। और ये 60 20 20 सबका अलग डिवाइड किया हुआ है, आप 60 ना देकर के इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 20 20 20, जिससे कि आपको क्लियर नजर आए। और ये भाग जब बचता है हमारा तो ऑटोमेटिक हमेशा शुरू से हम बोलते आए हैं कि कभी भी अलग अलग लाइन नहीं होगा, जब भी और सामने सामने लाइन होगा, सामने सामने लाइन को खींच देना है, यानी ये लाइन यहाँ पे है तो यहाँ पे हम खींच दिए, और ये लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे खींच दिए। और इस भाग को कॉर्नर से काट दिया जाता है, बीच वाला भाग पॉइंट से, यहां से इस तरह, ये एक एंगल में कटता है, ये जो भाग हमारा है एंगल में कटता है, कितना एंगल में होता है
ये आपको कमेंट करके बताना है, 60 डिग्री में होता है कि 45 डिग्री में होता है कि 90 डिग्री में होता है कि 75 डिग्री में होता है। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, चारों ऑप्शन में कितना होगा ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन जो कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि हमारा कितना डिग्री का है। कमेंट का मैं जवाब दूंगा, जरूर पढ़ूंगा कमेंट आपका और बताऊंगा कि आप सही बताएं कि गलत बताएं, कितने डिग्री में। एक जो खिंचाता है हमारा फ्रंट साइड टॉप, ये हमारा हो गया टॉप, तो फ्रंट साइड टॉप तीन निकलने के बाद ये जो बॉक्स बचता है, इस बॉक्स को हम लोग जो बाहर बाहर बॉक्स इसी के आधार पे जो बना देते हैं, बनाने के बाद ये जो एंगल खींचता है वो किसी डिग्री पे खींचाता है, वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है कि 45 डिग्री का होता है कि 90 डिग्री का होता है, 75 डिग्री का, ये आपको बताना है। ए बी सी करके भी बता सकते हैं, 1 2 भी करके बता भी सकते हैं, जैसे आपको आसान तरीका बुझाएगा कि इसका 60 लिख करके बता सकते हैं, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, कितना में होगा आपको कमेंट करके बताना है कि कितना डिग्री में ये खिंचाता है हमें। इसका पहले इसलिए मैं दे रहा हूं कि इसका पहले मैं क्लास में बता चुका हूं कि ये कितने डिग्री में बनता है। अब इतना बनने के बाद सब कुछ तैयार हो गया, व्यू मेरा बन के तैयार हो गया, ये हमारा व्यू बन करके तैयार हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इसको हमको पहचानने के लिए कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो व्यू है थर्ड एंगल में है, कैसे हम जानेंगे कि ये मेरा थर्ड एंगल में व्यू निकला हुआ है, उसको सिंबल देने के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगर कोई भाग इस तरह का रहता है तो थर्ड एंगल का जब भी सिंबल हमारा रहता है तो आगे छोटा पीछे बड़ा रहता है, इस तरह का तरीके का रहता है, ये हमारा थर्ड एंगल में सिंबल है हमारा बनाने का, थर्ड एंगल सिंबल। अब कैसे बनाया जाता है ये भी मैं व्यू निकाल करके आपको बता दिया हूं, सिंबल आप वहां से देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मैं पूरा दे दूंगा, आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही सिर्फ। तो इस तरह होता है, ये हमारा सिंबल है जिससे हमको पहचान लेते हैं। पूरा बनने के बाद आप नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, जिससे पता चलता है कि यानी इसमें जितने भी डायमेंशन दिया हुआ है, मेजरमेंट किया हुआ है, वो सब हमारा किस में है, एमएम में है, उससे पता यही लगता है। तो ये व्यू हमारा क्लियर है, देखिए बन करके तैयार है। जिन बच्चों को कहीं दिक्कत होता होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यहाँ पे दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर इसे जब नेक्स्ट क्लास में तो उसको बड़े तरीके से और बता दूं। बाकी ये बन करके व्यू हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा बन करके तैयार है। तो चलिए आज तक इतना ही, और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसलिए कि बहुत ही लाजवाब और जोरदार क्लास लेने वाला हूं मैं आपके लिए, तो कहीं क्लास आपका मिस ना कर जाए। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। चलिए आज का इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।